वार्ड संख्या 4 लाकड़ी पैपटपुरा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मंजू चौहान द्वारा नारी शक्ति के साथ एक रैली का आयोजन किया गया और ये रैली लाकड़ी पैपटपुरा, नया माजरा, पुराना माजरा, एकता कॉलोनी आदि का भ्रमण करती हुई वापस भाजपा कार्यालय लाकड़ी पर संपन्न हुई। महिलाओं की इस रैली में मंजू चौहान के समर्थन में उतरी महिलाओं द्वारा बेहतरीन अंदाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया गया और भारतीय जनता पार्टी की शान में नारे बुलंद किए गए। चुनाव प्रचार में लगी वार्ड संख्या 4 से पार्षद प्रत्याशी मंजू चौहान द्वारा अपनी बात को बताते हुए कहा गया, मतलब जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनके प्रति, महिलाओं के लघु उद्योग वगैरह, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों के, अभी तक वार्ड में कौन कौन सी कमियां देख सकते हैं और जीतने के बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे आप? जीतने के बाद मतलब जो काम रुके हुए हैं उन कार्यों को पूर्ण किया जाएगा और महिलाओं के लिए जो मतलब चाहती हैं, जो फ्री है लघु उद्योग वगैरह, इन चीजों पर मतलब ध्यान रखा जाए। लड़कियों की जनता से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान रखा जाए। अपने बाढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहोगी आप, क्या कहोगी जनता से? कि मतलब अच्छे वोटों से मतलब जिताए। क्या निशान है आपका? कमल का फूल। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। वहीं मंजू चौहान के सहयोग में नारी सशक्तिकरण का नेतृत्व कर रही महिला द्वारा कहा गया कि हमारी बहन मंजू चौहान बेहतरीन इंसान है और पूरे वार्ड का विकास करने में भी सक्षम है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है और वार्ड संख्या 4 से मंजू जी को नेतृत्व दिया गया है, जो हम सभी के लिए खुशी की बात है। अपनी बात को बताते हुए उनके द्वारा कहा गया, वार्ड नंबर 4 किसके साथ घूम रहे हैं आप? मंजू चौहान जी के। कैसी महिला है ये? अच्छी है, हमारी सहेली है, दोस्त है हमारी। क्या कहना चाहोगी जनता से? हम यही कहते हैं कि इन्हें अच्छे मतों से विजयी बनाए। सब जगह से अच्छा मिला हुआ, कुछ जगह से अच्छा नहीं मिल पा रहा। हम यही कहना चाहते हैं कि अपना वोट कीमती जगह पे दे, ये सही इंसान है। वहीं पार्षद प्रत्याशी के पति सतीश चौहान ने कहा कि हम जहां जहां जा रहे हैं हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों का प्यार भी हमें मिल रहा है। ये वार्ड 4 पैपटपुरा लाकड़ी से मेरी पत्नी मंजू चौहान यहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। जो विकास कार्य मैंने देखा पिछले, मैं घूमा हूँ तो पिछले 5 वर्षों में जो हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार रही है या स्टेट की सरकार रही है, योगी जी की, मोदी जी की सरकार, ट्रिपल इंजन की जो सरकार यहाँ चल रही है देश के और प्रदेश के अंदर, काफी विकास कार्य हुए हैं। पर कुछ मुद्दों पर मुझे, जब मैं भ्रमण किया मैंने क्षेत्र का, तो मुझे कहीं कुछ मुद्दों पर विरोधाभास दिखाई दिया, लोगों की एक परेशानी मुझे वहाँ दिखाई दी। तो जहाँ भी, चाहे वो सड़कों की समस्या रह गई है, चाहे वो नालियों की समस्या रह गई है, या चाहे वो बिजली के खंभों की समस्या रह गई है, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रही कि मैं इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ। अगर मुझे यहाँ से अच्छे मतों से विजयी बना करके मेरी पत्नी को यहाँ मुरादाबाद की संसद में भेजा जाता है, तो मैं प्रयास ये करूँगा कि जो ये मुद्दे हैं वो पहले हों। उसके साथ साथ चूँकि मंजू चौहान मात्र शक्ति के रूप में यहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं और इतनी मात्र शक्ति का समर्थन, भरपूर जोरदार समर्थन यहाँ से इन प्रत्याशी के रूप में मंजू चौहान को मिल रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ हमारा ये भी रहेगा कि हम जो हमारी बच्चियाँ हैं उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हम लोग यहाँ विशेष तौर से करेंगे और पूरा विश्वास ये दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी मातृशक्ति है उसको पूरी तरीके से, जो भी उसकी इच्छाएं, जो भी उन्होंने यहाँ अपना सोचा है, उनको हम पूरा समर्थन देंगे। उनके हम हर समय मंजू चौहान कंधे से कंधा मिलाकर के दुख और सुख में साथ खड़ी रहेंगी। यही हमारी यहाँ से अपील है।